हेलो डियर, वेलकम टू मैथमेटिक्स बायरोगो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं जो कि आपको बताएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलेगा और साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको जो है ना इम्पोर्टेंट यानी कि जो है पढ़ने लायक वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हर एक चैप्टर से लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 cot inverse 3 है और यहाँ पे cot inverse 7 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस फार्मूला को कन्वर्ट करेंगे किस में, टेन में। देखिए तो 2 tan inverse में अब हो जाएगा कितना, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा का जो वैल्यू होता है, अगर ये 1/2 है तो इसको उल्टा कर देंगे यानी cot में अगर चेंज कर देते हैं तो 2 ऊपर जाएगा, 1 आएगा, 1 नीचे। तो इसीलिए यहाँ पे ये सब चेंज होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे tan inverse में 1/3 बन जाएगा। और फिर यहाँ पे tan inverse में क्या लिखेंगे, तो 1/7 लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 2 tan inverse x का फार्मूला लगेगा, जो कि ये फार्मूला होता है 2 tan inverse में, tan inverse में हो जाएगा 2 into x, मतलब 2 into 1/3 और 1 - 1/3 का स्क्वायर हो जाता है, तो इसका होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद ये जो tan inverse में 1/7 है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है ना हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे tan inverse x प्लस में tan inverse y का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला होता है क्या चीज़, tan inverse में x प्लस में y अपॉन कितना आएगा, 1 - xy। तो यहाँ प्लस है। अब यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई अगर करते हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए सबसे पहले ये जो आएगा इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4/3। ठीक है, क्या आएगा, ये 4/3 आ जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, 4/3 आएगा, सॉरी 4/3 नहीं, 3/4 आएगा, 3/4। और फिर यहाँ पे tan inverse में कितना आएगा, 1/7 आएगा। ठीक है, 1/7 आएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिएगा तो tan inverse में क्या बन जाएगा, tan inverse में आपको 5/4 बन जाएगा। tan inverse में यानी 1 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 5/4। इसीलिए यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर tan inverse में 1 का वैल्यू जो होता है वो 5/4 होता है, इसका ऑप्शन बी क्या जाएगा, यही होगा। और इसका फॉर्मूला जो है ना अभी जस्ट लगा बताए थे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan inverse में क्या हो जाएगा, 1/2 और प्लस में 1/4 और नीचे में हो जाएगा 1 - 1/2 * 1/4 हो जाएगा। तो अब इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे यानी कि सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 और 4 कैल्शियम का 4 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 4 आएगा। और नीचे यानी कि 2 और 4, तो यहाँ पर 2 + 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा नीचे में, तो यहाँ पे 4 * 8 हो जाएगा, तो 8 - 1/8 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिए, मतलब ये tan inverse में क्या बन गया, इतना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये जो आपका आंसर आएगा tan inverse में, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 * 8 तो 2 आएगा, तो 2 चला जाएगा नीचे से ऊपर, तो 3 * क्या आ जाएगा, 2 और अपॉन नीचे में हो जाएगा 7, मतलब 6/7 आ जाएगा। तो यहाँ पे tan inverse में 6/7 आएगा, तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन आपको बी दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos inverse में 1/2, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रेंज जो होता है वो 0 से लेकर π होता है। ठीक है, 0 से लेकर π होता है क्लोज इंटरवल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जब निगेटिव होता है तो हम लोग यहाँ पे इसका एक फार्मूला भी लगा सकते हैं कि π - π cos inverse में 1/2 लिख सकते हैं। अब ये cos inverse में इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पाई माइनस में क्या आ जाएगा, cos inverse में ये 1/2 जो होता है वो cos के साथ होता है, यानी कि cos π/3 का वैल्यू होता है। ठीक है, cos π/3 का वैल्यू होता है और यहाँ पे पाई में से cos inverse cos π/3 घटेगा तो कितना आएगा, मतलब π - π ये π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाने पर कितना आएगा, 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, 2π/3 आ गया, तो इसका आंसर जो होगा 2π/3 ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा।
तो देख सकते हैं इसे डिजिटल में ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे डिजिटल यानी कि इस पेन और मोबाइल का यूज करके या लैपटॉप का यूज करके हम इस वीडियो को बनाते हैं। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं कि ऐसे ही हमको बनाने का मौका मिला था। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला किसका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस फार्मूला में बहुत ही समझने वाली बात है। अगर यहाँ पर देखिए क्या है कि 2x तो है, नीचे माइनस है, इसका मतलब ये हो गया tan इनवर्स का, tan इनवर्स में या 2 tan इनवर्स में हो जाएगा x का फॉर्मूला। ठीक है, वही अगर यहाँ पे प्लस कर देता 2x बाई क्या कर देता 1 प्लस में x स्क्वायर, तो ये हो जाता किसका 2 sin इनवर्स में x का फॉर्मूला होता है। वहीं अगर 1 माइनस में x स्क्वायर कर देता tan के साथ है, tan के साथ अगर ये पूरा चीज़ है और ये भी होगा tan के साथ, तो यहाँ पर 1 प्लस में x स्क्वायर कर देगा तो इसका मतलब ये हो जाता है cos 2 cos इनवर्स में x का फार्मूला। तो ये सब आपको समझना होगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूला जो है ना आपका एक क्वेश्चन तो आता ही है, इस तीनों फार्मूला में से एक फार्मूला आता ही है। ठीक है, तो इसीलिए इस तीनों फार्मूला को ध्यान से देख लीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यहाँ sin इनवर्स √3/2 है। इसका मतलब साइन का जो वैल्यू होता है वो देखिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, जो वैल्यू है उसके अंदर पॉजिटिव है, इसका मतलब एंगल भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन हो जाएगा कितना का वैल्यू, √3/2 होता है तो साइन होता है π/3 का वैल्यू। तो यहाँ पे साइन इनवर्स में थीटा रहता है, साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा तो ये आएगा सीधा π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यह ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, π/3 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। tan इनवर्स जो x है इसका एक नेक्स्ट फार्मूला जो होता है वो यही होता है जो हम पीछे अप्लाई किए हुए थे, ये हो जाएगा cot इनवर्स में, cot इनवर्स अगर लिखते हैं तो 1/x लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ना तो निगेटिव होता है और ना ही खुद cot होता है डायरेक्टली, और यहाँ पे ना तो क्या होता है इनवर्स में cot इनवर्स होता है, ये डायरेक्टली यहाँ पर ये भी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन कट के ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि cos इनवर्स के अंदर ये पूरा फार्मूला है, तो x के जगह अगर हम पुट कर लेते हैं क्या x के जगह पे tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करते हैं तो ये 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और बड्डा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा जो पुट करेंगे इसमें इसके अंदर, तो आपको बन जाएगा कितना, ये हो जाएगा cos 2 थीटा का फार्मूला। तो यहाँ पर cos इनवर्स के अंदर cos 2 थीटा अगर रहता है तो इसका मतलब है कि 2 थीटा आएगा। ठीक है, और 2 थीटा आएगा मतलब थीटा को आप x इक्वल टू tan थीटा माने थे, इसीलिए आप tan यानी थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और tan इनवर्स में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स में x। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि साइन का जो रेंज होता है वो माइनस में π/2 से लेकर π/2 होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये रेंज जो है इसका बाउंस कर चुका है, इस बाउंस कर गया है, तो इसको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको खींच कर अपने रेंज के अंदर लाना होगा। ठीक है, इसको खींच कर अपने रेंज के अंदर लाना होगा। ठीक है, ये बाउंस कर चुका है तो इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा जिसमें कोई यानी कि रेंज से बाहर हो जाएगा, तो इसी को हम बाउंस कर दिए हैं, मतलब बोलते हैं इसको बाउंस किया गया है। तो यहाँ पे इसको खींच कर लाना होगा हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए इस रेंज के अंदर में। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे देखिए पाई माइनस में क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, पाई माइनस में π/3 लिख सकते हैं, 2π/3 जो को हम लिख दिए π/3। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो साइन पाई माइनस में π/3 होगा, तो आप ये भी जानते हैं कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन होता है तो साइन पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स में साइन, और ये डायरेक्ट पाई में से π/3 कटेगा तो पाई हट जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा और यह आ जाएगा डायरेक्टली π/3। ठीक, तो यहाँ पर साइन इनवर्स में साइन π/3 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली π/3 आ जाएगा, π/3 जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, tan इनवर्स में √3 है और यहाँ पे cot इनवर्स में माइनस में √3 है, तो आप इसका वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछे आपसे कि tan कितना का वैल्यू होता है, √3 होता है, तो आप लिख सकते हैं π/3।
फाइव बाई थ्री का वैल्यू जो होता है वो रूट थ्री होता है। और यही अगर यही माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट इनवर्स में माइनस में रूट थ्री है, तो यहाँ पे जब निगेटिव होता है कॉट में, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। अगर यहाँ पे कॉस कॉट और यहाँ पे कॉसेक सेक, इन तीनों में अगर यहाँ पे आपको निगेटिव एंग वैल्यू दिख रहा है, तो इसका मतलब आप पाई में से घटाना है, ठीक है, जो भी वैल्यू होगा वो आपको पाई में से घटाना होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, हम पाई में से घटाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये रूट थ्री जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, कॉट कितना का वैल्यू होता है, रूट थ्री, तो ये आपको लिखना होगा पाई बाई थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिए, माइनस में था इसलिए यहाँ पाई में से घटा के लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है इसका वैल्यू पाई बाई थ्री, और माइनस में हो जाएगा कितना, पाई में से पाई बाई थ्री घटेगा, और या तो ऐसे ही लिख देते हैं और माइनस में पाई बाई थ्री। अब यहाँ देख सकते हैं प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा वो माइनस में पाई हो गया, ठीक है, कितना हो जाएगा ये माइनस में पाई, अरे एक सेकेंड, इस माइनस को माइनस से ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री, मतलब यहाँ पे 60 60 120 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 120 और इसको 180 को घटाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पाई बाई थ्री आएगा, तो यहाँ पे माइनस में पाई बाई थ्री जो होगा ऑप्शन वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर है, यहाँ पे आया था पाई बाई थ्री माइनस पाई माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई सिक्स हो जाए, सिक्स होगा, ऐसा होगा, तो यहाँ पे 60 30 90, तो यहाँ पे माइनस में पाई बाई थ्री ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है कि कॉस इनवर्स में 2x-1 है। अब यहाँ पे इस x के जगह पे आप कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तभी होगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे ऐसा कर लेते तो x के जगह पे मानना पड़ेगा ना, तो x रूट x को आप पुट कर लीजिए कॉस थीटा, ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो इसीलिए यहाँ पे आपको थीटा अगर निकालना होगा, थीटा अनोन चीज़ है तो थीटा को बाद में हटाना होता है, ठीक है, इसलिए थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉस इनवर्स में एक्स हो जाएगा, बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे इसको, तो कॉस इनवर्स में जो लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ गया टू, और यहाँ पे इसके जगह पे आ गया, सॉरी इसको हटाइए पहले, अब ये आएगा कॉस इनवर्स में, और यहाँ पे टू एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे जो है ना, अब हम लोग रूट एक्स के जगह पे कॉस है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक्स के जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में वन। अब ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, तो आप जानते हैं कॉस इनवर्स में कितना होता है, ये टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इज कॉस टू थीटा, सॉरी हाँ कॉस टू थीटा होता है, तो कॉस टू थीटा हो गया, तो यानी कि कॉस इनवर्स में कितना था जी, हाँ कॉस इनवर्स में कॉस टू थीटा, तो टू थीटा है तो बाहर हो जाएगा कितना, टू थीटा। अब टू थीटा हो गया तो टू और थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, रूट एक्स के जगह पे आप माने थे कॉस थीटा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा को हम बाहर निकाले थे तो कॉस इनवर्स में कितना आया था, रूट एक्स, तो इसीलिए अब यहाँ पे कॉस इनवर्स में क्या आएगा, और रूट एक्स हो जाएगा, थीटा के जगह पे कॉस इनवर्स में रूट एक्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन होगा वही होगा, तो यहाँ पे टू कॉस इनवर्स में रूट एक्स ये वाला गलत है, और यहाँ पे कॉस इनवर्स में ये भी गलत है, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टैन इनवर्स में वन है और कॉस इनवर्स में वन बाई टू है, माइनस में होगी, और यहाँ साइन इनवर्स में माइनस वन बाई टू है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टैन इनवर्स में जो वन है वो कितना का वैल्यू होता है, तो ये जो होता है वो पाई बाई फोर का वैल्यू होता है, तो जिसका जिसका वैल्यू होता है वो आप पुट कर लीजिए ऐसे, और इसको ऐड करके आप लिख दीजिए डायरेक्ट फाइनली वैल्यू, तो इसका जो रेंज होगा कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पाई में से घटने वाला है, निगेटिव जब होगा तो पाई में से घटाइएगा कॉस और कॉस और कॉट और सेक के लिए, तीनों के लिए बताए हुए हैं कि पाई में से घटाना है, तो इसीलिए यहाँ पे निगेटिव होने के बाद, निगेटिव होने पर आप पाई में से घटाइएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस कितना का वैल्यू वन बाई टू होता है, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई थ्री का, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पाई बाई थ्री का जो वैल्यू हो गया, और यहाँ पे साइन भी देख रहे हैं आप निगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा साइन का वो भी निगेटिव में होगा एंगल, ठीक है, वो निगेटिव एंगल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव है तो माइनस में एंगल होता है कितना, साइन थर्टी का वैल्यू होता है वन बाई टू, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में पाई बाई सिक्स, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आया पाई बाई फोर,
प्लस ये पाई में से पाई बाई थ्री घटाएंगे तो टू पाई बाई थ्री, और यहाँ पे आएगा कितना माइनस में पाई बाई सिक्स। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, फोर थ्री और सिक्स का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिक्स टू या ट्वेल्व, ट्वेल्व आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे ट्वेल्व आ गया। अब यहाँ पे चार तीन बारह हो जाएगा तो यहाँ पे थ्री पाई, और फिर यहाँ पे थ्री फोर जा ट्वेल्व तो यहाँ पे फोर टू जा एट पाई, फिर यहाँ पे नेक्स्ट सिक्स टू जा ट्वेल्व तो यहाँ पे माइनस में टू पाई, माइनस में हो जाएगा टू पाई। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे देख सकते हैं एट और थ्री एलेवन पाई, एलेवन पाई में से टू पाई गया तो नाइन पाई, और नीचे में कितना आएगा नाइन पाई बाई ट्वेल्व आएगा। थ्री से कैंसिल कर लीजिए थ्री और नीचे फोर, मतलब यहाँ पे आ गया थ्री पाई बाई फोर आ गया। तो ऐसा ऑप्शन जहाँ होगा वहीं करेक्ट हो जाएगा, थ्री पाई बाई फोर। इसको इरेज कर दीजिए, अब पता चलेगा थ्री पाई बाई फोर ऑप्शन बी में है।